वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हीरा फैसल। एक है भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगी ज़ेना फैसल को। हेलो। इसमें वैसे मत बनाने के वाले हैं बारबेक्यू जैसे। हेल्प करोगी मेरी? सब सब्जियां तुमने काटनी है। सीखने आई है तो कुछ सीखो। जाओ वाला भूबाव लेके आओ मुझे इसको चिकन को मेक करना। नहीं मैं ये वाला काम करूंगी। वो टीचर होते हैं ना वो बताते हैं आपने क्या करना है। बनाना इसमें वाला चिकन का मैं तुम्हें बताता हूं। स्टार्ट करेंगे। क्यों नहीं सिर्फ एक ही मेरे हाथ तो मिले मिले नहीं दूंगी। ये काम बड़े करते हैं अच्छे से। ठीक है ज्यादा सारा मुझे नहीं चाहिए काम करवाने के लिए। मामा की हेल्प नहीं लेंगे आज हम। तुम ये डालेंगे इसमें ज्यादा मुझे भी कोई काम कर दे दो। इसको कहते हैं हल्दी। इसको हम हल्दी कहते हैं या जैसा मैं तो डाल दो ना। अरे इतना प्यारा सजा के रखा हुआ था मैंने। थोड़ी सी और चिली ऐड कर देते हैं। डाला है ज़ैनब इतनी ऊपर से नहीं डालते हैं। जब भी कोई भी इस तरह की स्पाइस वाली चीज़ होती है वो ऐसे डालते हैं आपकी आंखों में जाएगा। ये चीज़ें हैं जो बच्चों को हम बड़ों से सीखने की ज़रूरत है। चला चला इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। अब हम इसको करेंगे मिक्स। अंदर ही होगा ज़ैनब। अच्छा ये हमने मैरिनेट कर लिया है। ज़ैनब कितने गंदे आलू काटे हैं तुमने। लेकिन अभी जरूर मेरे साथ खड़ूस से एक टीचर खड़ी हुई। आई एम नॉट खड़ूस। ये देखो ये हीरापी का और ये मेरा फर्क देखो तुमने। ये मैंने काटा ये शुरू में ज़ैनब ने कट किया था। यही करती हूँ। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है हम इसको ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे हम इसको एयर में फ्राई करेंगे। तुम्हारे सर पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। अभी क्यों अभी कुछ डाल दिए अंदर खुद बैठना है। खुद बैठना तो कर लो यार शायद थोड़ी सी रोस्ट हो जाओ। आप अपना रोब झाड़ सकते हो कभी भी किसी भी टाइम किसी पे भी किसी भी बातें चाहती हो। इनको नहीं बीच में मत बोल। अगर आप इनको ऑयल में फ्राई करो तो इनका टेस्ट अलग होता है। अगर आप इसको एयर फ्रायर में करोगे तो इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। अंदर फोल्ड हो गई कट गई उंगलियां। पानी अभी मैंने वॉश किया ना इसलिए। अच्छा ठीक है हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा बहुत इसका मटेरियल। चिकन हम बाद में बनाएंगे और लेके आओ सॉल्ट। ये तो मैं काम वाला बैठा हुआ है। ना ये क्या है? सीख रही है शगिर्द रखा हुआ है। काम वाला तो नहीं हूँ। ऐसे करके डालूँ एक सेकंड। सारा तो तुम्हारा ग्लव खा गया। पागल उससे अपने पानी के साथ टकराते हैं उसका नमक। हाँ ये ऐसे जाने गजरी जरा से बाजू आकर उसके बाजू जाना। मैं हाँ आ रही हूँ। तो हम ये तुम्हारे साथ लगा लगा के खा लिया नहा के आई हो तो। वैसे भी इंसानी जिसमें होता भी नहीं है। ज़ैनब ज्यादा दो यही वाला तुम्हारे ना ऐसे करूंगी तो मेकअप हो जाए। इसलिए वो यू करके डालता है। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे पूरा बाउल दे दो उसका। बाउल कह रही हूँ तुम्हें चिकन बना दे तो जो हम भी खा सकते हैं। क्या तुम आलू बना रहे तो ये चिकन है इट्स वेजिटेबल। अच्छा हमने अपनी सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर ली। और मेरी छोटी शागिर्द ज़ैनब फैसल ने तैयार प्यारा हाथ है। ठीक है आ, जोर से लगा। ठीक है अब हम इसको रखेंगे एयर फ्रायर में। ऑयल तो दो
25 क्या कर रही है? ऑयल डाल रही है। खराब हवा लग रही है पीछे। कुत्ते में किसे कहते हैं फ्राई के पास कर। मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था, अब हम इसको डालेंगे। दूर भी रहना चाहिए आप लोगों को। प्रिया गंद उठाओ, चलो ये तुम्हारा काम है जैनब, इससे मैं क्यों कहूँ। तो हीरापी इस वक्त खुद ही आ चुकी है। बहुत नाकारा हूँ, मैंने एक हिसाब लगाया। बुरी बात है यार, तुमने एक काम नहीं किया। डांट रही है मुझे, ये जो बड़ा वाला है वो लगाऊं लेकिन लग नहीं रहा वो। हम इसको हिलाते भी रहते ताकि नीचे वाली जो वेजिटेबल्स है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली नीचे चली जाए। अगेन ये जो कचरा फैलाया है ना, सब साफ करो। इट्स एन ऑर्डर। सो फाइनली हीरू कितनी क्यूट है यार, साफ कर रही है वो, क्योंकि मैं भाग गया था। हमारा बारबेक्यू बन रहा है, आई थिंक इसको खोलने के लिए मुझे वो चाहिए। आई थिंक एक और मिनी शेफ काम कर रहा है। ये क्या कर रही हो? मैं डरा दी है यार, मैं अपने जोन में थी यार। तुम अपने जोन में क्या कर रही थी? मैं आज शेक बना रही हूँ। शर्म तो कहती है अकेले अकेले शेक। बहन सबके लिए बारबेक्यू वाली हांडी बना रही है और तुम मुझे वो चाहिए जिससे वो खोलते नहीं है ढक्कन से ना वो पका। हमारा जो है यहाँ पे बारबेक्यू वाला सीन वेजीज वाला सीन है वो यहाँ तक पहुँचा। बंद रायता फैलाया है ना, इसको हम साफ करें। यहाँ तक चुका है। कैसी है? अच्छी है, नॉर्मल है। चल उठ उठ निकल बाहर तू, चल नॉर्मल है। नहीं बस अब तुम जाओ यहाँ से। अब बहुत हैंडसम लग रहा है, लाइक मी। ये हमारे साथ क्या हुआ है कि मजेदार होती है लेकिन ये ओवर कुक हो गई। की बननी चाहिए थी लेकिन ये बन गई है। इस हवा ने इसको सुखा दिया, बननी ऐसी चाहिए थी। मैं आपको ट्राई करवा कर बताती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसे। तुमने शेफ की बिस्ती की है। ये पकड़ो, ये गोल्डन ब्राउन है। ऑलमोस्ट रेडी। ये बहुत टेस्टी है। मामा आप टेस्ट करके बताएं कैसी है। तो जो हमारा बारबेक्यू चिकन है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और अपनी मामा की पुरजोर फरमाइश पर मैं इसमें डालने लगी हूँ फ्राई करने के लिए, भूनने के लिए लास्ट वाले पार्ट को, देसी घी। तो जैन आप तो मुझे देसी घी ला के दो। यार मैंने तो कैमरा पकड़ा, नो टाइम, जल्दी ला के दो। आहा, इसमें हम ऐड कर रहे हैं दही। ओ देसी घी। ठीक है, ताकि उसमें एक वो अरोमा आ जाए। अब हम इसको भूनेंगे फटाफट से, कलर आने का। लुक सो डिलीशियस। तो फाइनली हमारा खाना रेडी है। अब हम इसको करेंगे सर्व। वो एज यू गाइस कैन सी इसका इतना खुशबू आ रही है ना इसकी। हम इसको हमेशा वेजीज के साथ खाते क्योंकि मुझे चिकन के साथ वेजीज बहुत मजेदार लगती है। चिकली तो सुबह से लेके रात हो गई है मुझे ये डिश तैयार करते करते, क्योंकि इसको टाइम रिक्वायर होता है ना। एज यू गाइस कैन सी दिस इज आवर क्रिएटिविटी विदाउट मॉम। तो हमने पूरी कोशिश की कि हम इसको किसी तरीके से बहुत मजे का खाना बना सके, लेकिन हमारी ब्रोकली फाइनली हमने बना लिया, लेकिन ब्रोकली फिर भी जल्दी थोड़ी बहुत। खैर, सो इफ यू लव दिस वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसके बाद हम कौन सी डिश लेके आए आपके लिए कमेंट में बताएं, वो भी हमें कमेंट में बताएं।